मोदी गस्त चली प्रस्तुति घन घन बैठक सुरक्षा व्यवस्था जांच जनता मैदान में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसपीजी टीम ओडिशारु 10 लाख हिताधिकारी आवास कार्यादेश बांटे पीएम आसंता 17 रे ओडिशा आसुछंती प्रधानमंत्री मोदी जनता मैदान में सुभद्रार करे मेगा लंचिंग सहित निज जन्मदिन में देशर गरीब हिताधिकारी देवे बड़ भेटी ओडिशारु विभिन्न राज्यर 10 लाख पीएम आवास हिताधिकारी कार्यादेश बांटे पीएम हिताधिकारी बैंक अकाउंट को प्रथम किस्ती डीबीटी माध्यम रे प्रथम किस्ती बाबद को 3180 कोटी पठाइबे प्रधानमंत्री यहसह आवास प्लस 2024 आप मध्य उन्मोचन करिबे पीएम मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करके 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे और 3180 करोड़ रुपए की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि जारी करके करेंगे। ये 10 लाख हितग्राहियों के खाते में जाएगी। आवास प्लस 24 ऐप का भी अनावरण करेंगे जिसका उद्देश्य सर्वे करके फिर जो छूट गए पात्र लाभार्थी उनको शामिल करके पक्के मकान का आवंटन करेंगे। प्रधानमंत्री को गस्त पर जनता मैदान में समीक्षा बैठक अनुष्ठित होई गृह पूर्त पर्यटन सह महिला और शिशु कल्याण विभाग सचिव उपस्थित थे। गुइंदा निर्देशक सौमेन्द्र प्रियदर्शी पुलिस कमिशनर संजीव पंडा डीसीपी प्रतीक सिंह एसपीजी अधिकारी पहुंची कार्यक्रम स्थल सुरक्षा व्यवस्था जांच कर आज 16 पर्यंत सरकारी कर्मचारी को मुख्यालय छाड़ बारण कर साधारण प्रशासन विभाग चिठी कर 50 जन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को परिचालना दायित्व दि जाए योजना कौन रे को भाव हिताधिकारी चयन से हिताधिकारी चयन करार प्रक्रिया भी सिद्धांत हो दृष्टि नहीं बहुत बड़ सौभाग्य ओडिशा प्रदेश एवं भारत बर्षर जनसाधारण भी बहुत गुड़े बड़ सुजोग पाइबे प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा। राज्य में बीजेपी सरकार आसवा पर प्रधानमंत्री मोदी यह द्वितीय ओडिशा गस्त निज जन्मदिन में ओडिशा रे सरकारी योजनार शुभारंभ करुथबारु बेस उत्साहित अछंती साधारण जनता। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेन्द्र ओटुना मंडल प्रदीप्त महापात्र रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।